आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने 6 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो स्टॉक की प्राइस करीब 1200 के पास है, तो 0.5% के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि आई थिंक ठीक ठाक है। अब मैं इनके स्टैंड अलोन रिजल्ट को देख लेता हूँ दोस्तों। तो 47 सारे फिगर्स मिलियंस में है, तो 47,000 से मिलियन से भर के इनकी इनकम 57,000 करोड़ हो गई है, तो पूरे साल का डेटा अच्छा लग रहा है, करीब 18-19% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो वाई ओ वाई में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूं तो वाई ओ वाई ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर थोड़ी सी बढ़ी है, 891 से काफी बढ़ गई है, 1164 30% की राइज दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 20% की डिक्लाइन भी दिखाई है, तो काफी मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स रहे हैं। तो कैसे एनालिस्ट लेंगे उसको कहना मुश्किल है, क्योंकि लेकिन अभी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स तो इनके थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं। ये अब हम कंसोलिडेटेड को देख लेते हैं, तो मोर ऑर लेस वही पिक्चर कंसोलिडेटेड में है जो स्टैंड अलोन में है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में भी जंप है, लेकिन वाई पूरे साल का हम देखें तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो कम है, 21,000 मिलियन से कम होकर 20,900 मिलियन, तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड हमें 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं फिर इनकम की बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जो कि काफी अच्छी चीज है, और वाई ओ वाई भी 1336 से बढ़ के 1400 हो गई है, तो ये भी ठीक है, बट पूरे साल का आप देखेंगे तो 5500 से कम होके 4400 हो गई है, तो कुछ चीजें पॉजिटिव्स हैं, कुछ चीजें नेगेटिव्स हैं, तो एग्जैक्टली कोई मतलब बहुत बुरा रिजल्ट भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, तो एवरेज सेट ऑफ रिजल्ट्स है। स्टॉक प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों, स्टॉक देखिए मार्च महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, पिछली बार जब बुरे रिजल्ट आए थे इसके तो 650 ने यहाँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा था, और आज फिर 1100 तक चला गया था। अब दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इस स्टॉक में आप 1100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये टारगेट 1270 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1270 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, तो वो हमारा पहला टारगेट होगा, और ब्रेकआउट के बाद हम फिर 1400 और 1575 के टारगेट्स को एम करके चलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।